नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग काफी अच्छे होंगे और प्रैक्टिस आप लोग की काफी चल रही होगी। और दोस्तों मैं तो आप लोगों के साथ हूं ही। दोस्तों अभी आप लोग की प्रैक्टिस कैसे चल रही है वो कृपया कर अपने कमेंट्स में बताने की कष्ट करें। वो ये है कि आपसे गाना निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। बहुतों का तो निकल रहा है। और दोस्तों आज का मैं गाने पे मैं टॉपिक लेकर नहीं आया हूं। आज की जो टॉपिक है मैंने देखा है और बहुतों के कमेंट्स आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं कि सर मैं क्या होता है कि जब मैं बजाता हूं या गाता हूं तो मैं बीच में क्या होता है ताल से कट जाता हूं, यानी ताल मेरी कच्ची है तो उसके लिए क्या करूं। अब इसके लिए देखिए दोस्तों अब दो तीन प्रावधान है। एक तो पहली व्यवस्था ये प्रावधान ये कि आपके पास क्या क्या व्यवस्था है। क्या आपके पास कीबोर्ड है? नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है। और मैं पहले एक मेट्रोनोम हमें के लिए मैंने बता चुका था कि आप थोड़ा मेट्रोनोम यानी मोबाइल के अंदर एक मेट्रोनोम ऐप होता है उस पर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन आज दोस्तों की चलते फिरते कैसे ऐसा हो कि आप कहीं भी रहें और बैठे बैठे जरा सा 10 मिनट 5 मिनट आपको खाली टाइम मिला तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको गाने को चुनना है, कोई भी गाना ले लीजिए। तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, देखिए मैं यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं, यहां ताली पर भी दूंगा और उंगली पे भी समझाऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों पहले एक गाना है, खैरियत पूछो। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शुरू से अंत तक ही देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मैं अभी ताल के बारे में बता रहा था। बहुत लोग का ताल ऐसा भी होता है ना कि वो गाना गा रहे हैं उसमें स्पीड उनकी बढ़ जाती है। देखिए दो तीन तरह से होता है, स्पीड बढ़ जाती है, कुछ लोगों की लय घट जाती है, स्पीड घट जाती है, फिर वो चाह कर भी बढ़ा नहीं पाते हैं। अगर 50 से वो 45 पर आ गए तो फिर उसके बाद वापस 50 पे नहीं जा पाते हैं, वो फंसे रहते हैं वहीं पर। कुछ लोग जो है 50 से 55 पे चले गए, उनको पता भी नहीं चला और बाद में मालूम पड़ा कि वो लय से हट गए, ताल से कट गए, है ना? तो दोस्तों ये भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों एक तरीका है कि आप कोई भी गाना गाइए या गुनगुनाइए तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप कहीं भी बैठे रहिए तो जरूर किसी भी एक गाने को पकड़ लीजिए, कोई एक गाना, और उसको रेगुलर कीजिए उसको, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सके। बार बार गाना बदलिए नहीं, एक दो गाने को देर तक मैंने कोई 2-4 दिनों तक कीजिए, फिर देखिए आपका सेंस जो है ना वो रिच होगा, सेंस बढ़ने लगेगा, समझ बढ़ने लगेगी आपकी, तो आप ताल में धीरे धीरे आएंगे। अब देखिए करना क्या है, हम लोग गा रहे जैसे सपोज देखिए, खैरियत पूछो कभी तुम कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। देखिए मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, खैरियत पूछो कभी तुम कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। इस तरह से ये बातें चल रही है, अगर देखिए ये चलती रहेगी दोस्तों, ये रुकेगी नहीं। तो आप सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि इस तरह से कंटिन्यूटी बनाना सीखिए। ऐसा नहीं हो कि वो करते करते वो बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो। 1 2 3 4 इस तरह से लय में गाइए, 1 2 3 4 1 2 3
चार एक गाने की लय आप ले लीजिए और खैरियत पूछो कभी तुम कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक पल जैसे 100 साल है। देखिए ये चल रहा है बराबर, ये रुक नहीं रही है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, खैरियत है ना। ये बात उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आप ये जरूरी नहीं कि आप कहीं बैठे ताली दीजिए, हो सकता है कि आप ताली देंगे तो लोग लगे कि क्यों ताली बजा रहे भाई, तो आप चुटकी से भी कर सकते हैं। खैरियत पूछो कभी तुम कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका, आप कहीं भी बैठे हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मालूम है? ये आपका पैर है, मान लीजिए आप कहीं भी बैठे हो, पैर आपका नीचे रहता है, तो देखिए ये हील है, अगर ये हील है और ये पंजा है, तो ये 1 2 3 4 एक दो तीन चार खैरी, इसे क्या होगा, कोई आपको देख नहीं पाएगा, आप मन ही मन भी गुनगुना सकते हैं और इसको या गुनगुना भी सकते हैं। ये देखिए आपका पैर का पंजा मान लीजिए और ये चल रहा है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो दोस्तों कभी भी आप कहीं भी बैठे रहिए तो इस तरह से आप कोई भी एक गाना पकड़कर बार बार गुनगुनाइए दोस्तों, बहुत पूरा गाना गुनगुनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका स्थाई या मुखरा 4-5 दिन इस गाने को कीजिए, किसी भी गाने को, फिर 4-5 दिन दूसरे गाने को कीजिए, तीसरे गाने को कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि आपकी स्वर आपकी जो ताल धीरे धीरे पक्की होने लगेगी। ये टाइमिंग पे बिट देना बहुत जरूरी है दोस्तों, टाइमिंग पे बिट देना बहुत जरूरी है। तो आप पैर से दे, चुटकियों से दे, तालियों से दे, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, यानी जैसे आपको आसानी लगे वैसे दोस्तों कीजिए। और सबसे आसान तो मुझे पता है कि कहीं भी बैठ रही तो पैर से ऐसे करना सबसे ज्यादा आसान होता है, तो आप इसको फॉलो करें ताकि आप कभी भी कहीं गाना गाएं, कभी स्टेज पर गाएं या बजाएं, तो देखिएगा कि सब लोगों की पैर ही ऐसे चलती है, क्योंकि वो दिखता नहीं लोगों को ना, वो तो आप हाथ कहां ऐसे, आपका हाथ खाली रहता है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप कीजिए, मेरी गारंटी है दोस्तों 100% कि धीरे धीरे आपकी जो ताल की प्रॉब्लम है, जो गाने से लय में भाग जाते हैं, वो धीरे धीरे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर, ताल की सब्जेक्ट पर कुछ भी क्वेश्चन करना हो, जो भी बातें समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आइए, मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। मेरे व्हाट्सएप पे भी आप आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और आप लोगों को शेयर करना नहीं भूलिए। फिर से दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, आप सभी को नमस्कार।